नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट एंड करियर चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, बायोटेक्नोलॉजी से जुड़े सारे सवालों के जवाब, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है, बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स कितने साल का होता है, बायोटेक्नोलॉजी करने के लिए योग्यता क्या क्या होती है, बायोटेक्नोलॉजी करने के फायदे भी आपको बताने वाले हैं। साथ ही आपको वीडियो के अंत में बताएंगे कि आप बायोटेक्नोलॉजी करने के बाद कितनी सैलरी कमा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप करें अंत तक जरूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी अच्छे से मिल पाए। सबसे पहले जानते हैं आखिर बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है। दोस्तों बायोटेक्नोलॉजी को बायोटेक के नाम से भी जाना जाता है। यह इंजीनियरिंग करने के इच्छुक छात्रों में सबसे प्रचलित कोर्स में से एक है। दोस्तों बायोटेक्नोलॉजी साइंस की वह ब्रांच है जिसमें बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी की अमेजिंग सिमिलैरिटी से रॉ मटेरियल को स्टनिंग इनोवेशन, डिस्कवरी और प्रोडक्ट में बदला जाता है। वर्ष 1919 में हंगरी के एग्रीकल्चर इंजीनियर कार्ल एके ने सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी शब्द का उपयोग किया, चाहे वह बैक्टीरिया, ईस्ट या एंजाइम जैसे भी बायोलॉजी पदार्थ में हो। बायोटेक की जानकारी प्राप्त करने के बाद आप इंडस्ट्रियल या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के संबंध में कार्य करने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उपयोग कर सकेंगे। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि बायोटेक्नोलॉजी में काम करने को अलग अलग तरीके से किया जाता है जिससे विभिन्न पहलू तलाश करने में संबंध है ताकि दुनिया में परिवर्तन लाया जा सके। इसके साथ ही बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर किए जाने वाला स्पेशलाइजेशन और अपनी रुचि के अनुसार विभिन्न फील्ड जैसे एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर, मेडिसिन, जेनेटिक इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, हेल्थ केयर और रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जुड़े कार्य करती है। दोस्तों यह क्षेत्र और कोर्स अपने आप में एक अलग है और यह काफी अमेजिंग भी है। अब चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हुए जानते हैं बायोटेक्नोलॉजी के प्रकार और उसके अवधि के बारे में। दोस्तों बायोटेक्नोलॉजी कोर्स के तहत कई कोर्सेज और सिलेबस शामिल किए जाते हैं। इसमें अपना करियर बनाने के लिए इच्छुक छात्र 10वीं क्लास इंटरमीडिएट लेवल की पढ़ाई पूरी करने के बाद भी यह कोर्स कर सकते हैं। आप इस कोर्स के तहत डॉक्टरल डिग्री भी प्राप्त कर सकते हैं। साइंस की इस ब्रांच में शामिल विभिन्न बारीकियों और विवरणों का पता लगाया जाता है। अब सवाल आता है बायोटेक्नोलॉजी करने के लिए शैक्षणिक योग्यता के बारे में कि कौन से छात्र बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन लेने के लिए किसी भी छात्र को शैक्षणिक योग्यता के बारे में अवश्य पता होना चाहिए। जिन छात्रों ने मैथमेटिक्स और साइंस सब्जेक्ट के साथ 10वीं क्लास पास कर लिया है वे बायोटेक्नोलॉजी में डिप्लोमा कोर्स करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस कोर्स में अप्लाई करने के लिए छात्रों ने फिजिक्स, मैथ्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री के साथ 12वीं क्लास की पढ़ाई अवश्य की हो। जिन छात्रों ने 10वीं क्लास की पढ़ाई के बाद डिप्लोमा प्राप्त किया है वे भी इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। 12वीं क्लास पास करने वाले छात्रों के बजाय डिप्लोमा प्राप्त करने वाले छात्रों को ज्यादा महत्व दिया जाता है, तो इस बात को ध्यान में जरूर रखें। दोस्तों डिप्लोमा होल्डर्स को बायोटेक्नोलॉजी के 2 वर्ष के बीटेक बी कोर्स में भी सीधा प्रवेश दिया जाता है, जो कि एक फायदे वाला काम होता है। अब एक बात तो आप सब जानते हैं कि किसी भी कोर्स को करने और ना करने की अपने अपने फायदे और नुकसान होते हैं, तो इसमें सवाल आता है कि बायोटेक्नोलॉजी करने के बाद कौन कौन से करियर ऑप्शन आपके पास होते हैं। तो चलिए इस सवाल का भी जवाब जानते हैं। दोस्तों बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में डिप्लोमा, बीटेक, एमटेक या डॉक्टरल डिग्री करने वाले छात्रों के लिए यहाँ करियर के बहुत सारे ऑप्शन हैं। बायोटेक्नोलॉजी करने के बाद प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट जॉब, बायोटेक कैंडिडेट्स को विभिन्न कंपनियों में बेहतरीन जॉब मिल ही जाती है क्योंकि यह क्षेत्र अपने आप में अलग एवं खास जो है। अब चलिए जानते हैं बायोटेक्नोलॉजी करने के बाद यदि आप आगे की पढ़ाई करते हैं तो इसके बाद आपके जॉब प्रोफाइल क्या क्या हो सकते हैं। जॉब प्रोफाइल में सबसे पहले हम जानेंगे बीटेक के बाद जॉब प्रोफाइल के बारे में। पहला है लेबोरेटरी असिस्टेंट, दूसरा है प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर, तीसरा है बायोटेक्नोलॉजी एक्सपर्ट, चौथा है बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, पांचवा है सेल्समैन, छठवा है मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग। अब इसके बाद जानते हैं एमटेक के बाद जॉब प्रोफाइल के बारे में। पहला है बैक्टीरियोलॉजिस्ट, दूसरा है मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट, तीसरा है एम्ब्रियोलॉजिस्ट, चौथा है जेनेटिस्ट, पांचवा है इम्यूनोलॉजी, छठवा है माइक्रोबायोलॉजिस्ट, सातवा है फार्माकोलॉजिस्ट, आठवा है बायो एनालिटिकल केमिस्ट, नौवा है फूड केमिस्ट और इसके साथ ही कई तरह के जॉब प्रोफाइल आपको मिल जाता है। अब आता है सबसे आखिरी सवाल कि इस कोर्स को करने के बाद आपको सैलरी कितने मिलती है। तो दोस्तों इसकी सैलरी लगभग 40,000 से 50,000 रुपए तक से शुरू होती है और यह जाकर आगे आपके कार्य क्षेत्र एवं आपके लेवल पर डिपेंड करता है कि आपको कितनी सैलरी मिलने वाली है। दोस्तों लेवल के अनुसार इसकी सैलरी में बढ़ोतरी होती है और वह 2 से 3 लाख तक जाकर रुकती है। और यदि आप अपने फील्ड में सीनियर लेवल और टॉप लेवल पार कर लेते हैं तो आपको और भी ज्यादा तनख्वाह मिल जाती है। तो दोस्तों ये थी बायोटेक्नोलॉजी से जुड़ी सारी जानकारी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।
वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों को शेयर करें जो अपने करियर को लेकर कंफ्यूज हैं, जिन्हें इस चीज की आवश्यकता है। धन्यवाद।